ब्यूरो वालों एक इंक्वायरी खोली गई सी जिदे वास्ते मेरे तो उन्होंने कोई सवाल पूछे जो उन्होंने मन से मेरा सारा कुछ पब्लिक डोमेन च ऑलरेडी जे सवाल उन्होंने पूछे या जो कोई गल्ला वास्ते उन्होंने मैनू कोई गल पूछी तो मैं उन्होंने सारी चीज़ों मैं प्रॉपरली आंसर करता। मैं हर इंक्वायरी वास्ते कोऑपरेट करने तैयार हाँ जी। मैं पहला कह अज भी कह रहे हैं तो जो भी मैं कोई दोबारा उन्होंने वालों सुनेहा मिलेगा मैं हाजिर हो जाऊँगा। पंजाबी लोक चैनल पर तुहाडा स्वागत है। मैं अमनदीप सिंह माझा। पंजाब के सबका कैबिनेट मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला विजिलेंस ब्यूरो ने पहला नोट्स कढ़िया। नोट्स कढ़न तो बाद जानकारी दें कि विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर च अज सबका कैबिनेट मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला पेश होए उत्थे पहुंचे अते उन्हां दी विजिलेंस ब्यूरो ने तकरीबन 5-5.5 घंटे उन्हां नाल गलबात हुई जानी कि सवालों के जवाब सवाल उत्थे होए जानी कि 5.5 घंटे विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर च रहे ने सबका कैबिनेट मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला। कांग्रेस की सरकार मौके श्री विजेंद्र सिंगला सिख्या मंत्री रहे ने PWD मंत्री रहे ने। सो पहला भी खबर आ रही थी कि नोट्स निकलिया पहला खबर आने तो बाद नोट्स निकलन तो बाद अज वह विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर संगरूर च पेश होए जिथे तकरीबन 5.5 घंटे उन्होंने पुछगिछ हुई। उस तो बाद गलबात भी करवाने के श्री विजेंद्र सिंगला सबका कैबिनेट मंत्री जदों उन्होंने 5.5 घंटे पुछगिछ हुई गलबात हुई उस तो बाद उन्होंने की कहना सुनाने तुहानू श्री विजेंद्र सिंगला गलबात तो बाद पुछगिछ सवाल जवाब तो बाद की कहिंदे ने। टेस्ट बुलाया गया सी जिथे तक मेरा सवाल है। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है अपने कंट्री का अपने सूबे का। मैनू इस इलाके के लोगों ने सेवा करने का मौका दिता सी ते मैं अपनी चंगे तरीके नाल अपने इलाके की सेवा की है। मैं बतौर वजीर रहा 4 साल ते महकमे वालों विजिलेंस ब्यूरो वालों एक इंक्वायरी खोली गई सी जिदे वास्ते मेरे तो उन्होंने कोई सवाल पूछे जो उन्होंने मन से मेरा सारा कुछ पब्लिक डोमेन च ऑलरेडी जिस तरह की मेरे कोई एफिडेविट की गल है या विधानसभा दे विच मेरे एसेट्स ते विधानसभा दे विच मेरे कोई कागज़ देने की गल है मैं हमेशा हर कागज़ नू हर समय के उपर चाहे अपना इलेक्शन कमीशन दे विच एफिडेविट है मैं हमेशा उन्होंने पूरे तरीके नाल दिता और पहला भी दिता है अगे नू भी देने वास्ते तैयार है। जिहड़े जिहड़े सवाल उन्होंने पूछे या जिहड़े कोई गल्लां वास्ते उन्होंने मैनू कोई गल पूछी तो मैं उन्होंने सारी चीज़ों मैं प्रॉपरली आंसर करता। किस चीज़ की इंक्वायरी है? नहीं नहीं कुछ नहीं इंक्वायरी मीनस कि उन्होंने जिहड़े भी डिपार्टमेंट दे विच मैं रहा ते जो भी मेरे कोई अपना मेरे कोई प्रॉपर्टी हैगी है कि नहीं हैगी मेरा घर संगरूर है या मेरा घर पटियाले है तो मैं वो सारिया गल्लां जिहड़ी उन्होंने पूछे मैं अपने सर किन्ने सवाल करेंगे तुहानू यार इस तरह नहीं मैनूं हुण पता कि किन्ने सवाल होता मतलब 3-4 घंटे जिहड़ी चीज़ उन्होंने मन दे विच कोई गल सी कि मैं आई हैव गिवन देम क्लैरिटी। दोबारा कदों बुलाया गया? मैं हर इंक्वायरी वास्ते कोऑपरेट करने तैयार हाँ जी। मैं पहला कह अज भी कह रहे हैं तो जो भी मैं कोई दोबारा उन्होंने वालों सुनेहा मिलेगा मैं हाजिर हो जाऊँगा तो नहीं तो जेड़े भी कोई कागज़ देने वास्ते मैं कदे भी कोई ईमेल राही या पत्र राही मैं कदे कोई सुनेहा आऊगा। मैं देखो मैं ये गल क्लीयरली कहना चाहना कि मैं हर जी भी उन्होंने मन च कोई सवाल है शंका है मैं उस गल के उपर आंसर करने वास्ते। ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ विजिलेंस ब्यूरो ने 5.5 घंटे तकरीबन गलबात हुई सवाल जवाब होए उस तो बाद विजेंद्र सिंगला बाहर आए उन्होंने गलबात जो भी कही आ वो भी तुसी पहला सुनिया अते उस तो बाद श्री विजेंद्र सिंगला अपने समर्थकों समेत क्योंकि काफ़ी गिणती विच उन्होंने समर्थक भी पहुँचे सी कांग्रेस पार्टी के आगू भी पहुँचे सी उन्होंने नाल ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੁਬਰਾਜ ਹਸਨ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।